नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह ने सड़कों का किया उद्घाटन। नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह के द्वारा सड़कों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारियों समेत क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। सहारनपुर के वार्ड नंबर 13 में नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह के द्वारा दो सड़कों का शुभारंभ किया गया। महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में विकास कार्यों को कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास कर रहा है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 13 में नगर निगम के द्वारा बनी दो सड़कों का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में महानगर महामंत्री शीतल बिश्नोई, पार्षद प्रतिनिधि नीरज सिंह, मंडल अध्यक्ष थात सिंह, व्यापारी नेता जयवीर राणा, राजकुमार जसवीर राणा, अरुण धीमान, पंकज धीमान, टीटू वालिया आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज वार्ड नंबर 13 में दो सड़कों का उद्घाटन किया गया है। कितने मीटर है और कितनी लागत से हुआ? श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरा प्रदेश विकास के एक दौर में है, जो कि स्वर्णिम काल है विकास का। इसी क्रम में नगर निगम में पत्र वित्त के द्वारा दो सड़कों का आज वार्ड 13 में शुभारम्भ किया गया, माननीय विधायक सदर राजीव गुंबर जी की उपस्थिति में, और मंडल अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता शीतल बिश्नोई जी, पार्षद दीपक रहेजा जी, के बत्रा जी, पार्षद प्रतिनिधि नीरज जी, उनकी उपस्थिति में किया गया। एक सड़क है पराग डेयरी के साथ से कामधेनु कॉम्प्लेक्स तक, और दूसरी सड़क है देवेंद्र नगर गेट से डम्बोला नदी तक। यह जो क्षेत्र था जहाँ अभी हम खड़े हैं, आप जानते हैं जिस समय जलवृष्टि हुई थी, शायद यह ऐसा अकेला ही क्षेत्र था जो पूरे शहर से कट गया था और लोगों का एक टापू में तब्दील हो गया था। तो इसको हमने प्राथमिकता पर लिया और इसका निर्माण कराया जा रहा है। दोनों सड़कों की वो लागत है लगभग वो 70 से 80 लाख रुपये की लागत आने वाली है दोनों सड़कों की। धन्यवाद।